हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एस लेंसडाउन इन्वेस्टमेंट के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब, जो रखते हैं बाजार पर और बजट पर गहरी पकड़ और नजर। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, बड़ा दिन है। बताएं कैसा लगा बजट, पहले तो अच्छा बुरा न्यूट्रल ठीक मतलब आया गया, कैसा फील क्या है? ये बजट एक्चुअली था ही नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट था तो हमने बात की थी कि यू नो फाइनल बजट तो जो भी फाइनल क्लाइमेक्स सीन बाकी है जुलाई में। बट एक अच्छा बजट के दो अच्छे पहलू है जो मुझे अच्छे लगे। एक तो ये डेट मार्केट का बजट था, इक्विटी मार्केट का बजट था ही नहीं, तो इट वॉज अबाउट फिस्कल डिसिप्लिन। और मुझे लगता है पॉसिबली 10-15 साल में पहली बार ऐसा बजट है जहां पे फिस्कल कंट्रोल की गई इलेक्शन के ईयर के पहले। ओके, इलेक्शन आ रहा है और आपने फिस्कल कंट्रोल किया है, आपने फ्री डोल आउट नहीं किया है, जिसकी इम्पैक्ट बहुत लंबी आ सकती है इंडिया पे तीन चार जगह पे। एक तो पीएसयू बैंक, बगा जी बोल रहे थे पीएसयू बैंक की यील्ड का बेनिफिट, तो एक छोटा बेनिफिट है, बट सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है कि स्ट्रक्चरली जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में नीचे रहे हैं पिछले 4-5 साल में, ग्लोबली ऊपर गए हैं, वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जिसका फायदा बैंकों को होगा, एनबीएफसी को होगा, अच्छी एनबीएफसी को हाई रेटेड, और फाइनली कॉर्पोरेट सेक्टर जो बड़ा एक्सपांशन करने जा रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेके अगर उनको पैसा बोरो करना है तो स्ट्रक्चरली इंटरेस्ट अगर नीचे रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और उनकी बोरिंग की उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट, एक डेट मार्केट का बजट जो मैंने कहा, दूसरा जो एक बहुत ही खास बात बजट में थी जो इनोवेशन फंड सेटअप किया है। मैं हर टाइम बोलता हूँ कि इंडिया में सब कुछ है बट हम YouTube या सिस्को या गूगल नहीं बना सकते हैं, तो अभी ये पहली ऐसी मैंने बजट में देखा है कि ऐसी कंपनियां इंडिया में बन सकती है। आंसर है शायद बन सकती है, बिकॉज हमने एक बड़ा नया फंड चालू किया है जहां हम 50 साल की लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री या लोअर इंटरेस्ट की लोन, और इट विल अलाउ यू नो रिसर्च एंड इनोवेशन टू प्रॉस्पर, और अगर वो हम कर लेते हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया के लिए। तो आई थिंक दो बड़ी चीजें बजट में मेरे हिसाब से, इनोवेशन और डेट मार्केट को लेके। ओह परफेक्ट, तो ये इनोवेशन और डेट, ये एकदम आपने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया, और ये पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि विक्रम जी दे सकते थे दीप, क्योंकि जितनी उनको डेट और इक्विटी दोनों की बराबर समझ है, और बिल्कुल सही पकड़ा कि ये बजट पूरा डेट मार्केट के एंगल से बना हुआ है, क्योंकि फोकस पूरा फिस्कल डेफिसिट वहां पर। कैपेक्स 11.11, 11 लाख करोड़ के ऊपर का कैपेक्स का नंबर, क्या असर डालेगा ये इकोनॉमी पर? कैपेक्स में क्या हुआ, पिछले साल अनिल जी 35% ग्रोथ दिया था, तो अब हर साल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बेस भी बहुत बड़ा है, तो 11% नंबर बुरा नहीं है, पर मार्केट का एक्सपेक्टेशन शायद 20 या 18% था, उससे थोड़ा कम है, और थोड़ा मोमेंटम तो हल्का सा स्लो डाउन होगा, वैल्यूएशन काफी ज्यादा है कैपेक्स स्टॉक के, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की भी जरूरत है, तो वो एक अच्छा मौका देंगे नए इन्वेस्टर को लेने के लिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इंडिया की कैपेक्स साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में कोई दो राय नहीं, हमने ये डिस्कस काफी टाइम किया कि इंडिया एक नए ट्रेजेक्ट्री में जा रही है, 15 साल की जर्नी है, अब जहां गिरता है वहां लेना है तो स्टॉक लेने हैं आपको, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हमको लेते रहना है 15 साल के लिए। तो बजट के बाद क्या खरीदना है ये भी तो बताइए आप। तो मेरा सिंपल सा मानना है बैंकिंग स्टार्टिंग विद एनबीएफसी, अच्छी एनबीएफसी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म पे काफी जोर दिया गया है, मुझे लगता है एयरलाइन विल बी रिमेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और जो भी कंपनियां डिजिटली इंप्रूव कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस को या प्रोसेस इंप्रूव कर रही हैं वो सब कंपनियों का काफी फायदा होगा। तो एनबीएफसी बैंक्स एट लोअर लेवल केपेक्स स्टॉक्स डेफिनेटली, एयरलाइंस अच्छे हैं, छोटे सेक्टर्स में कैपिटल मार्केट के थीम बरकरार हैं, रेटिंग एजेंसीज बरकरार हैं, तो ये सब थीम्स चलते रहेंगे अनिल जी, एंड दिस इज एज यू ऑलवेज डिस्कस कि ये 15 साल की बस है, बैठे रहो शांति से और जब भी गिरे तो लेते जाओ, बस सिंपल। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके लिए बड़ा दो बड़े नंबर, एक कैपेक्स के और दूसरे फिस्कल डेफिसिट के। बाजार पर अब क्या व्यू है बजट के बाद, क्या कुछ बड़ी तेजी बड़ी कमजोरी की कोई संभावना बनती है या न्यूट्रल से रहेगा? देखिए तेजी तो है ही, बिकॉज सबको लेना है, पीपल अंडर इन्वेस्टेड, आदमी 5-6-7% अपना फाइनेंशियल सेविंग आता है तो वो नंबर तो बहुत दूर है। अभी एक ही चैलेंज है कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, आप रेड सी की क्राइसिस देख लो या 10-12 कंट्री आजकल वॉर में इन्वॉल्व हैं छोटी मोटी मिला के, और ग्लोबली भी थिंग्स आर वेरी वेरी डायनामिक, 5 बड़े कंट्रीज रिसेशन में है, तो थोड़ा सा तो अपने सर पे हेडविंड रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन भी काफी प्राइस टू परफेक्शन पे है, तो छोटे मोटे डेफिनेटली करेक्शन आते रहेंगे, वॉलिटिलिटी रहती रहेगी, जहां पे स्टॉक्स नेगेटिव सरप्राइज करेंगे पर्टिकुलरली रिजल्ट सीजन में या मार्जिन में या जो आउटवर्ड लुकिंग स्टॉक है उन पे डेफिनेटली इंपैक्ट रहेगी, बट मोटा मोटी आई विल से इट्स अ बाय ऑन करेक्शन मार्केट फॉर इंडिया, एंड मुझे लगता है अभी काफी लंबा टाइम तक तेजी रहनी चाहिए बाजार में, दैट्स व्हाट माय व्यू इज, बट शॉर्ट टर्म डेफिनेटली थोड़ा सा क्लाउडी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल थिंग्स आर नॉट गुड ग्लोबली,
एंड वी कांट बी स्टैंड अलोन, वी कांट बी स्टैंड अलोन सेइंग दैट हम ऊपर जाएंगे बाकी सब नीचे जाएंगे. तो वो एक अब तक हो रहा है, बट मुझे लगता है वहां पे थोड़ा कॉशन. डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन ऊपर है, बट इट्स अ टाइम टू बाय व्हेन एवर देयर इज अ डीप करेक्शन इन मार्केट. तो मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ग्लोबल चिंता है. अब चूंकि बजट सत्र चल ही रहा है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से चुनाव की घोषणा भी हो ही जाएगी, हफ्ते 10 दिन की बात है मैक्सिमम. क्या अब से लेकर इलेक्शन तक अगर एक बाजार का व्यू लेना चाहे, क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? बहुत शॉर्ट टर्म में अनिल जी बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि आई थिंक ऐसा कोई बड़ा मंदी भी नहीं है. तो 20,000 के नीचे जाए शायद नहीं जा सकता है मार्केट, और ऊपर में भी आई थिंक अपसाइड कैप है. तो वो 8-10% की रेंज में शॉर्ट टर्म में बाजार घूमना चाहिए. मुझे बहुत तेजी नहीं लग रही है, और पर्टिकुलरली मिड कैप स्मॉल कैप है मुझे लग रहा है थोड़ा सा एग्जीबिशन ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और एक नए इन्वेस्टर को लेने का चांस मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बट मोटा मोटी आई थिंक हम अच्छी राह पे जा रहे हैं. और मुझे एक अच्छा क्या लग रहा है कि आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और हर चीज सिंक्रोनाइजेशन में है, अपने इन्फ्लेशन कंट्रोल पे चल रहे हैं. आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, और ऊपर से फिस्कल अगर अच्छा हो तो आप सोचे सोने पे सुहागा है. अब दुनिया में यही तो प्रॉब्लम है कि फिस्कल अलग साइड पे जाती है, सेंट्रल बैंक अलग साइड पे जाते हैं, इसलिए ये सब चैलेंज होती है. और इंडिया वेरी वेरी डिफरेंट है, आई कैन से हम वो मेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं. और पर्टिकुलरली आप सोचिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना और आपका जेपी मॉर्गन में आना, इट विल गिव अ ह्यूज बूस्ट टू आवर करेंसी एंड द बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड. Actually, it's a very historical, or I can say, it's one of the milestone moment for India for both innovation and debt market. Perfect. तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए बाजार के लिहाज से आता हुआ. बजट के बाद भी कोई खास ऐसा बदलाव नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी चुनौतियां रह सकती है, लॉन्ग टर्म में बाजार रहेंगे मजबूत. और ये राय विक्रम कोटक साहब की तरफ से आती है. बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए.